प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम दो बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा श्रमिकों के साथ मिलके ना केवल चित्र खिंचवाया, कई बार तो उनके पांव तक धोने का कार्य भी किया। एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया। प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम दो बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे। अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहाँ पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहाँ से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। आपको जानकारी देने के लिए दिन में दो बार प्रेस ब्रीफिंग एक बार यहाँ से एक बार उत्तराखंड से भी की जाती थी। लेकिन एक बात तो जरूर है, एक टीम स्पिरिट क्या होती है, नेतृत्व क्षमता क्या होती है, हमारे श्रमिक भाइयों ने वो भी दिखाया है, हौसला एक दूसरे का बढ़ाने का। और मैं देख रहा था गब्बर सिंह नेगी ने जैसे कहा बाद में भी कि मैं अंत में जाऊंगा, सबसे सीनियर मैं हूं, तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है किसी को भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन एक लीडर की भूमिका क्या है, वो हमें अपने श्रमिक भाइयों बहनों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और जब हम पहले भी देखते थे, चाहे संसद भवन बनाया हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया हो या कोई हमारा कर्तव्य पथ बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा श्रमिकों के साथ मिलके ना केवल चित्र खिंचवाया, कई बार तो उनके पांव तक धोने का कार्य भी किया। ये अपने आप में दिखाता है कि उनके लिए महत्व क्या है। राष्ट्र के निर्माण करने वालों का, हमारे श्रमिक भाइयों बहनों के मन में, प्रधानमंत्री जी के मन में क्या कल्पना है, उनका क्या कितने क्या सोच है उनके बारे में। और उनके आज आप देखिए, देश के अंदर ही नहीं विदेश में भी हो, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में हुआ तब भी एक एक जान को बचाने के लिए जो भी करना था, पांच पांच केंद्रीय मंत्री भी गए, दुनिया भर के लोगों से संपर्क भी किया गया, हर भारतीय की जान को बचाने के लिए टर्की, सीरिया, लीबिया, यूक्रेन से लेकर नेपाल, अफगानिस्तान तक मोदी सरकार ने वो किया है जो शायद पहले देखने को नहीं मिलता था। और उत्तराखंड का एक और उदाहरण आप सबके सामने। प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम दो बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा श्रमिकों के साथ मिलके ना केवल चित्र खिंचवाया, कई बार तो उनके पांव तक धोने का कार्य भी किया।